हेलो बच्चों, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम नया सिलेबस लेके आए हैं, सत्र कौन से 2020-21 के लिए। 2020-21 के लिए जो सिलेबस आया है कम होने के बाद, क्योंकि 30% सिलेबस आपका, आपको पता होना चाहिए, घट गया है। ठीक है बच्चा लोग, 30% घट गया है। ये थोड़ी सी आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि पढ़ाई आपकी बाधित है, सही से उतनी सही से हो नहीं पा रही है, तो आपको थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, क्या क्या हटा है, अब क्या पढ़ना रहेगा, क्या नहीं पढ़ना रहेगा, वो सभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये आगे वाले स्टूडेंट ना समझेंगे, क्योंकि वीडियो ये सिर्फ 2020-21 वालों के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए कम हो गया है सिलेबस, अब की बार के लिए सिर्फ किया गया है, जो अब की बार पेपर देंगे बच्चे बोर्ड परीक्षा, ठीक है, 2021 में, उनके लिए सिर्फ है। ठीक है, नहीं कि ये समझ लो हमेशा के लिए इतना कम ही हो गया है, ऐसा नहीं है। तो लिखा है साफ साफ, मैं रसायन विज्ञान बताऊंगा जो मैं पढ़ाता हूँ। आप ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाल देंगे गूगल पे UPMSP, जो इस पर इतना सर्च मारेंगे, जो भी पहली साइट आए उसको खोल लेना है। ठीक है, खोलने के बाद जहाँ पे ले जाए आप नीचे खसका के देख लेना, लिखा होगा कहीं पे नया न्यू पाठ्यक्रम 2020-21 सत्र के लिए। ठीक है, तो उसे डाल करेंगे तो वहाँ पे क्लास वाइज बोलेगा, क्लास 9 चाहे निकालो चाहे 10 की, 9 से 12 का चेंज हुआ है। कहाँ से 9 से 12 तक की सभी, 9 से 12 तक की सभी क्लासों के सभी सब्जेक्ट का 30% सिलेबस कम हुआ है, बाकी प्राइमरी जूनियर का इसका कोई नहीं है। ठीक है चलो, कोविड-19 महामारी के कारण 36 सत्र जो है 2020-21 के समय विद्यालयों में पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत क्या किया गया, विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवा 30% पाठ्यक्रम कब किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, अब ठोस, ये यहाँ पे जो लिखा है बेटा जी, मैं आपको बता दूँ, इतना जो लिखा है ना ऊपर, ये जैसे ठोस अवस्था लिखा है, तो यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी हैं ये कम किया गया है, मतलब जो चीज़ें हटाई गई वो यहाँ पे हैं। जैसे मैंने जो लेसन पढ़ा दिए हैं आपको, वो अभी अब यहाँ पे टिक कर लीजिएगा कि अब ये नहीं है सिलेबस में। ठीक है, जैसे ठोस अवस्था लेसन आप खोलो, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है कि विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, ये अब नहीं है बैंड सिद्धांत, अब आपको नहीं पढ़ना है। चालक अर्धचालक है, कुचालक है, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक है, ये इतना आपको नहीं पढ़ना है इस लेसन में। विलयन है कि विलयन का, जैसे असामान्य आणविक द्रव्यमान, वान्ट्हाफ गुणांक, ये दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। अब जैसे विद्युत रसायन वाले चैप्टर से है, विद्युत रसायन के नियम है, ठीक है, शुष्क सेल है, विद्युत अपवर्तनी सेल है, गैल्वनी सेल है, सीसा संचायक सेल है, ईंधन सेल है, संक्षारण है, इतना विद्युत रसायन में कम हो गया, इतना नहीं पढ़ना है आपको। रासायनिक बल्कि की बात करें तो संघट सिद्धांत है, प्रारंभिक गणितीय विवेचना नहीं, ये सब, और संकीर्ण ऊर्जा है, आर्हेनिया समीकरण है, इतना कम हो गया, काफ़ी कुछ कम हो गया है, आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, इतना आपको नहीं पढ़ना है। आप हालांकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ पे जहाँ पे फेयर बनाए हैं लिखे हैं, तो बेटा वहाँ पे क्रॉस कर लेना है, क्रॉस कर लेना, कोई चिन्ह बना लेना कि पता होना चाहिए आपको कि हाँ अब ये सिलेबस में अब की बार नहीं है, अब की बार इसे हमें नहीं पढ़ना है, जो नहीं है उसी को पढ़ना है। अगला है पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन में क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये वही हम बता रहे हैं जो जो हट गया है। ठीक है बेटा, जो जो अब की बार हट गया है, जैसे उत्प्रेरक, समांगी, विषमांगी, उत्प्रेरक है, सक्रियता है, ठीक है, एंजाइम है, उत्प्रेरण है, पायस, पायस के प्रकार है, ये इतना नहीं है पढ़ना है। इकाई 6 बार जैसे तत्वों का निष्कर्षण है, पूरा अध्याय हटाया गया, तत्वों का निष्कर्षण पूरा का पूरा उड़ा दिया गया, बात समझ गया है ना, तत्व इकाई 6 लेसन 6 पूरा ख़त्म हो कर दिया गया, अब पता। चलो यूट्यूब पर वीडियो मैंने बना के डाल दी, अब मैं आपको और बता दूं, जो भी वीडियो यूट्यूब पे मैं बनाऊंगा वो पूरा सिलेबस करवाऊंगा, क्योंकि सिर्फ अपनी अब की बार को मैं सोच के नहीं, मैं बता दूंगा कि ये अब की बार सिलेबस में नहीं है, मैं अब की बार के लिए सोच के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आगे भी बच्चे अगले साल जो रहेंगे वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आधा पढ़ाऊंगा तो वो क्या पढ़ेंगे फिर अगली बार, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है, पी ब्लॉक में क्या क्या हट गया, वर्ग 15 के तत्व, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है केवल संरचना, ये हटा दी गई है, फास्फोरस के अपरूप हटा दी गए, फास्फोरस के यौगिक जैसे फास्फीन था, PCl3, PCl5, ये हट गया, ऑक्सो अम्ल हट गए, जैसे 16 वर्ग में सल्फ्यूरिक का औद्योगिक उत्पादन हट गया, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्व में ये चीज़ें हट गई हैं, K2Cr2O7, K1O4, ये हट गए हैं, लेंथेनाइड रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ये हट गया है, एक्टिनाइड जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह इनके, ये हट गए हैं, लेंथेनाइड की तुलना एक्टिनाइड, उपसा संयोजक यौगिक से इतनी चीज़ें हट गई हैं,
संरचना एवं त्रियुग्म समन्वयता, धातुओं के निष्कर्षण, गुरुत्व विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उप संयोजक यौगिकों का महत्व, ये खत्म हो गया है। इकाई 10 में इतनी चीज़ें खत्म हो गई। डीडीटी के उपयोग, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, डाई क्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, हाइड्रोफार्म, प्रियान, ये सब खत्म हो गए। एल्कोहल फिनाल इधर खत्म हो गया है। मिथेनॉल इथेनॉल के उपयोग खत्म हो गए। नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक में साइनाइड है, जैसे आइसोसाइनाइड है, ये खत्म हो गए हैं। जैसे समझ गए, उचित स्थानों पर संदर्भ दिए जाएंगे। ये जो नियम लवण है विचरण, ये सब खत्म। जैव अण में ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज खत्म। पॉलीसैकेराइड में ये तीनों खत्म, इनके महत्व खत्म। एंजाइम हार्मोन ये भी खत्म। संरचना को छोड़कर, जो उसकी संरचना है उसको छोड़कर एक तरह का, ठीक है। विटामिन है, यानी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। विटामिन है, ये ख़त्म हो गया। बहुलक में ख़त्म हो गया काफ़ी कुछ, बहुलक में बहुत कुछ। दैनिक जीवन में रसायन भी पूरा अध्याय, दो तो लेसन ही ख़त्म कर दी गए यार, सीधा सीधा कुल मिलाकर अब 14 लेसन बचे हैं इस टाइम। टोटल कितने लेसन हैं? 14। हटाया कौन गया? छठा और 16वां लेसन हटाया गया। छठा तत्व को निष्कर्षण वाला और 16वां दैनिक जीवन में रसायन। समझ गए, ये टॉपिक थे इस लेसन में। ये पूरा लेसन ही हटा दिया गया, तो अब ये टॉपिक भी हट गया। क्या क्या आप बचा है तो अब देख लो। पाठ्यक्रम से हटाया गया प्रयोगों की सूची। अब प्रयोग भी हटा दिया गया। प्रयोग हालांकि लैब खुलती नहीं, प्रयोग कहाँ करोगे तुम, ठीक है। अब क्या क्या बचा है देख लो। 6 ऑब्जेक्टिव आने हैं आपके सिलेबस में, 6 नंबर के, ठीक है। दो दो अंक के 4 प्रश्न आएंगे, 8 नंबर के, ठीक है। अब प्रत्येक फिर दो दो प्रश्न आने हैं, चार प्रत्येक दो अंक के 4 प्रश्न, तो कितने? 8 नंबर के। फिर तीन नंबर के 4 प्रश्न, 12 नंबर के, ये 4 नंबर के 4 प्रश्न, 16 नंबर के, 5 नंबर के 2 प्रश्न, 10 नंबर, 5 नंबर के 2 और लांग, 10 नंबर। पेपर 70 के ही आने वाला है। अब क्या क्या पढ़ना वो आप देख लीजिए। अब जैसे बिलियन से 7 नंबर कर दिए, बिलियन से कितने नंबर कर दिए? 7 नंबर का। अब की बार आएगा पी ब्लॉक से 7 नंबर का आता था, अभी भी 7 नंबर का आएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से 5 का आता तब की 6 नंबर का आएगा। अब नाइट्रोजन युक्त यौगिक से कितना आएगा? 4 नंबर का। जैव अण से 6 का आता था, अभी 6 का आएगा। समझ गए। उपसंयोजक यौगिक से गजब अब 3 नंबर का आता था, अब की बार 6 नंबर का आएगा। पृष्ठ रसायन से 5 का, रसायन बल के 3 से 5 और ठोस अवस्था 3 नंबर का आता था, अब की बार 5 नंबर का आएगा। समझ गए, नया सिलेबस ये है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है बेटा। इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसको आपको नोट कर लेना है, इतना कि इतने आपको पता होना चाहिए किस लेसन कितने नंबर अब आने वाला आपकी बात, ठीक है। अब किस लेसन में क्या क्या पढ़ना है ये आपको दिया गया है सामने। ठोस अवस्था में इतनी टॉपिक पढ़ने हैं, ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से। बिलियन में इतने टॉपिक हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं एक बोलूँगा नहीं। विद्युत रसायन में इतने टॉपिक हैं, रासायनिक बल गति में इतने टॉपिक, पृष्ठ रसायन में इतने टॉपिक, पी ब्लॉक में इतने सारे टॉपिक हैं। पी ब्लॉक के आगे आ जाता है डी और एफ ब्लॉक में इतने पढ़ने हैं। उपसहज संयोजक यौगिकों में इतने पढ़ने हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन में इतने सारे टॉपिक पढ़े हैं, बचे हैं, ठीक है। एल्कोहल फिनाल ईथर वाले लेसन में इतने टॉपिक बचे हैं। वहाँ पे लेसन का नाम था, लेसन नाम डाल के अंदर के टॉपिक ख़त्म किए गए। अच्छा, पूरा लेसन नहीं ख़त्म है इनके, नहीं, वहाँ पे पढ़े इतने एल्कोहल फिनाल ईथर, उसके अंदर जो टॉपिक वो ख़त्म हुए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये पढ़ना है। अब यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ये है सिलेबस में आपकी, ठीक है, ये अभी पढ़ना है। ये आप देख लेना, जो यानी युक्त कार्बनिक यौगिक से है इतना सारा पढ़ना है, जैव अण से अभी इतना पढ़ना है सब। आगे बात समझ में बेटा जी, तो चलो ठीक है। अच्छा, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट, लव यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। क्लासेस चल रही हैं, आगे भी चलाते रहेंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे, प्रॉमिस करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा लोग। तो अगली चलते हैं, मिल लेंगे जल्दी। मैं पी ब्लॉक पढ़ा ही रहा हूँ, पी ब्लॉक हालांकि कराएंगे सब हम, लेकिन हम बता दिया करेंगे अब ये वाला हमें अब की बार नहीं है आपके साथ में, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। तो थैंक्स अलॉट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अलॉट। आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट टीचर से ले सक संपर्क करके सिलेबस पता कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं बता दिया हूँ, ये UPMSP ये गूगल पर डालो, जो सर्च मारो, जो भी पहले साइट खुले, वेबसाइट खुले, उस पर क्लिक कर लेना, अंदर घुस जाना, वहाँ पे लिखा कहीं ना कहीं मिल जाएगा 2020-21 के लिए नया पाठ्यक्रम, ठीक है। वहाँ पे क्लिक कर लेना, क्लास अपनी क्लास 12 है तो 12, 9 है तो 9, 10 है तो 2, वहाँ पे फिर सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट पूरी पीडीएफ, जैसे ही क्लास पर टिक करेंगे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी।
क्लास 12 टिक करें, क्लास 12 में हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी, समझो आपको। इसमें जैसे ये PDF मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट की है, ऐसा नहीं सिर्फ यही है। देखो फिजिक्स की है, ये देखो फिजिक्स की है, इसमें फिजिक्स भी है, समझ गया है ना बेटा, इसमें फिजिक्स भी है, समझ गए, इसमें फिजिक्स भी है, ये देखो फिजिक्स भी है, ये इतना इतना फिजिक्स में हटा दिया गया, ये देखो इतना इतना जो दिख रहा है ना अभी, ये हटा दिया गया है फिजिक्स में। बहुत टीचरों को भी पदमालूम ही नहीं, सबको आँखें खोल दो, आप लोग वीडियो को दबा के शेयर कर दो, ठीक है बच्चे लोग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।